صلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله. मेरे लिए ये बड़ी सादत बंदी है कि आज जिगर गोशा हजूर शेखुल आलम नकीब इश्क मुस्तफ़ा अलहाज पीर मोहम्मद अलाउद्दीन सिद्दीकी दामत बरकात मलके नूर नज़र आज उनके यहाँ इस महफिल में शरीक होने का मौका मिला है। और हकीकत में अगर देखें तो आस्थाना आलिया नहरी शरीफ के और बिलखसूस हजूर शेखुल आलम के लखते जिगर दीन की जो खिदमत बिलखसूस ओल्डम में यहाँ पर इस अदारे में हो रही है देख कर बड़ी खुशी भी होती है और ऐसी महफिल में आने को बार बार जी भी चाहता है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मरकज़ को शाद व आबाद रखे। और मैं आज ही दोस्त मोहम्मद साहब के पास बैठा एक फहरिस्त देख रहा था तो उसमें बड़े बड़े फिगर लिखे हुए 10,000, 20,000, 30,000 हो। फिर उन्होंने रहनमाई फरमाई के हमारे दोस्त अपने अपने घरों से हर हफ्ते में 10,000, 20,000 ये तमाम तादाद पढ़ के दुरुस्त लाते हैं और यहाँ पर दुआ में शामिल होते हैं। और मैं समझता हूँ ये हजूर शेखुल आलम का फैजान है कि आप ना सिर्फ इस मजलिस में आकर बल्कि इस मजलिस से घर जाकर भी आपके दिलों में आपके जहन में आपकी जबानों में वो जिक्र जारी रहता है जो मजलिस में आकर जिक्र होता है, जो अपने शेख की मजलिस में बैठकर जिक्र करते हैं और फिर उसकी जिक्र की बरकतें लूटते हुए अल्लाह ताला हम सब को इस जिक्र की बरकत से आफियत और इत्मीनान अता फरमाए। मुख्तसर की नात पढ़ूंगा, नात पढ़ने का कुछ ढंग तो नहीं आता मगर कोशिश करूंगा। तमाम अहबाब आवाज़ बुलंद दूर पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल के लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा भी था और आज भी है।
सीने पांदा ये नजारा मेरे पीर दा आप इस वक्त और मैं और आप